नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुक्साल स्वतंत्र आप सबके बीच में आज रूबरू हो रहा हूं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता की को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड के विभिन्न बाजार पूर्णतः बंद आपको दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो छोटा बाजार हो, ग्रामीण क्षेत्र का बाजार हो, वो सारा बंद आपको दिखाई दे रहा है। वहीं मैं नगर पंचायत सतपुली की अगर बात करूं, नगर पंचायत सतपुली से आपको रूबरू कराऊं, तो नगर पंचायत सतपुली भी आपको पूर्णतः बंद दिखाई दे रहा है। किस तरह से बंद दिखाई दे रहा है ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, नगर पंचायत सतपुली का जो बाजार है ये मुख्य बाजार है और यहां से सारा विधानसभा चौबट्टा खाल का केंद्र बिंदु भी इसे कहा जाता है कि विधानसभा चौबट्टा खाल की जो सारी गतिविधियां है यहां से होकर जाती है। तो आज आप देख रहे होंगे कि ये बाजार किस तरह 2 अक्टूबर जो बंद है उसका समर्थन कर रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती जिसको हम मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हम मनाते हैं, तो गांधी जी सत्यवादी और सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले थे। और आज सत्य और धर्म की लड़ाई के दिन 2 अक्टूबर को हमको देखने को मिल रहा है कि लोग धर्म के साथ नहीं बल्कि अधर्म के साथ चल रहे हैं। वहीं इसका जीता जागता उदाहरण है नगर पंचायत सतपुली का ये मुख्य बाजार। मुख्य बाजार हो सकता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चौबट्टा खाल के जो विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, वो भी भाजपा से है, और यहाँ नगर पंचायत जो अध्यक्ष है वो भी भाजपा से है। तो कई सारी चीजें हो सकती हैं कि भाजपा के कारण हो सकता है कि यहाँ पर दबाव इस तरह का बना हो कि बाजार बंद को पूर्ण तरह विफल किया जाए। और यहाँ पर पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जो बाजार बंद है उसको बाजार बंद जो पूर्णतः विफल किया जाए। लेकिन इनकी मानवता पर मेरे को एक बात सामने में आती है कि मानवता किसी व्यक्ति की, किसी लोगों की मानवता कहां गई। क्योंकि उत्तराखंड में जगह जगह छोटे से छोटे बाजार, कलजीखाल बाजार बंद है, नौगांवखाल बाजार बंद है, एकेश्वर बाजार बंद है, पाटीसैंड में लोगों ने बंद का आह्वान किया है। कई जगह विभिन्न बाजारों में बंदी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद सतपुली बाजार जिसे कि केंद्र बिंदु माना जाता है और यहां से सारी सूचनाएं पूरे गढ़वाल को जाती हैं, तो ये बाजार पूर्णतः रूप से बंद आप देख रहे होंगे कि जगह जगह लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई है और पूर्णतः व्यापार यहां पर चल रहा है। शायद एक बेटी को न्याय दिलाने से ज्यादा अहम इनके लिए अपना व्यापार था, इसलिए आज इन्होंने अपने सभी प्रतिष्ठानों को खोला हुआ है। वहीं व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, सब लोग पुरजोर विरोध में यहाँ दिख रहे हैं कि वो उत्तराखंड का जो एक बेटी को न्याय दिलाने के विरोध में खड़े हैं। और यहाँ पर पूरा बाजार खुला हुआ है, टैक्सी यूनियन की सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।